मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 16.3 में के आगे के जो क्वेश्चंस थे। पिछले वाले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्वेश्चन समझाने के बाद आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला और आप लोगों ने कम से कम 6 क्वेश्चन तक वो कर लिए होंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन तक वो बिल्कुल एक जैसे थे, आसान थे। तो उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर गया हूँ समझाने के लिए, ताकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर पाओ। क्वेश्चन नंबर नाइन ये कहता है कि एक कौन है जिसमें एल एंड आर स्लेंट हाइट और रेडियस दोनों का जो रेशियो है वो दे रखा है 7:4, 7:4, और जो आपका कोण है उसका सी एस से दे दिया यानी कर्व सरफेस एरिया है वो दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस कोण, कि उस कोण का जो रेडियस है, या ये पूछ सकते हैं कि उसकी जो स्लेंट हाइट है वो कितनी है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी रेशियो में किसी प्रकार का कोई सी एस से हो या टी एस से हो या कोई वॉल्यूम दे रखा हो और उसकी जो रेडियस होती है, एल होती है या हाइट होती है, इनमें से अगर किसी को भी रेशियो में अगर दे दिया जाता है किसी भी कोण की, सिलेंडर की, हेमिस्फेयर की या फिर किसी और की, कोई जो डायग्राम आपके कोर्स में चलते हैं उनकी, अगर किसी भी आर को, एच को या एल को अगर रेशियो में दे दिया जाता है तो हम उनको एक्स में सपोज करते हैं, एक्स में मानते हैं। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्लेंट हाइट है कौन की वो हमारी 7x है और जो रेडियस है वो हमारी 4x है। अब आपको क्वेश्चन में सी एस ए दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 792। तो जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसी का फॉर्मूला पुट करेंगे। सी एस ए गिवन है 792 और सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो जैसे आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हो, बिल्कुल मैंने लिखा है कौन सी एस ए दे रखा है, कौन के एरिया सी एस ए के नीचे मैंने सी एस ए लिखा 792। पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर की वैल्यू मैंने रखी 4x और एल की वैल्यू रखी मैंने 7x। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल उस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया, 792 22/7, 7 4 28 और x को x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका आता है x2। ये नॉर्मल से कैलकुलेशन है जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहां आने के बाद इस स्टेप में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 792 की 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 792 मल्टीप्लाई 7, और 792 के अपॉन में कुछ नहीं है, अगर हम चाहें तो इसके नीचे अपॉन में 1 भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इस पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 22 × 28 स्क्वायर सेम टू सेम। एक्स स्क्वायर के साथ में हम देखते हैं कि 22 और 28 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से निकल कर इधर आकर के ये डिवाइड करेंगे, और हम जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 792 × 7/22 × 28 इसका कैलकुलेशन जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे सामने निकल करके आती है वो है 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो निकल करके आई है हमारे सामने वो 9। स्क्वायर को जो हम यहाँ से हटाने की कोशिश हटाते हैं तो स्क्वायर सामने हटते ही सामने वाला जो डिजिट होता है, नंबर होता है, उसके ऊपर रूट हो जाता है, तो √9 हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3, इसलिए एक्स की वैल्यू √only 3 आ गया, तो आर हमने मान रखा है 4x, तो 4x एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 3, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जो एल है वो 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर। तो ये आर और एच एल दोनों की जो वैल्यूज थी वो हमें पता लग गई। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ ताकि एक क्वेश्चन आप और समझ सको, उसके बाद जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपनी कॉपी में, नोटबुक में आप करेंगे और उसका फीडबैक मुझे देंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर के लिए आया हूँ वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक कॉनिकल पॉट है, एक शंकु के आकार का पॉट है जिसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर है। ये पूरा का पूरा पानी से यानी कि पूरा वाटर से पूरा भरा हुआ है और इसका जो पानी है वो निकाल करके हम एक सिलेंड्रिकल पोर्ट है, बैलन के आकार का, उसमें डाल देते हैं। तो सिलेंड्रिकल पोर्ट है उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है और क्वेश्चन ने पूछ लिया कि जो सिलेंड्रिकल पोर्ट है उसकी हाइट कितनी है। अब
दिक्कत कहाँ आती है यहाँ आने के बाद? सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर इसमें फाइंड क्या है, हमें कैसा पता चलेगा वॉल्यूम है या एरिया है। जब किसी चीज को मेल्टिंग किया जाता है या किसी की कैपेसिटी देखी जाती है और एक चीज से दूसरे में किसी चीज को अगर डाला जाता है तो हमेशा वॉल्यूम को फाइंड किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले लगा के देख रखे हैं, आप देख सकते हो फॉर्मूले लगाया हुआ मैंने वॉल्यूम का यहाँ पे और वॉल्यूम का यहाँ पे। जब मैंने पानी कॉनिकल पोर्ट से सिलेंड्रिकल पोर्ट में डाला तो उन दोनों का पानी बिल्कुल इक्वल है, उतना ही पानी है, तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी बिल्कुल इक्वल होगा। तो हमने वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दिया। और कॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है πr² h। पाई से पाई को हमने कैंसिल आउट कर दिया, 1/3 का 1/3 आर स्क्वायर। कॉनिकल पॉइंट की आर हमें पता है 10 × 10, हाइट है हमें गिवन 18 आर स्क्वायर। सिलेंड्रिकल पॉइंट की जो हाइट है वो 5 × 5, हाइट हमें गिवन नहीं कर रखी है, हाइट को हमें फाइंड करना है इसलिए एच को हमने एच रख दिया। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई एच ए बी सी डी जितने भी ये नंबर्स होते हैं या कोई इक्वेशंस होती है तो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है। तो यहाँ से मैंने एच को अगर बाहर निकाला तो 5 × 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर के ये डिवाइड करेगा तो मैंने इसको डिवाइड करवाया। जब मैंने इसको डिवाइड किया, इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो हम देखते हैं कि एच की जो वैल्यू है वो मुझे मिलती है 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पोर्ट है उसकी जो हाइट है वो हमें मिलेगी 24 सेंटीमीटर। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले के जो क्वेश्चन वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है सबसे लास्ट में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो भी मैं आपको लेकर के आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 तक करके कोशिश कीजिए, उनका मुझे फीडबैक भेजिए। एक क्वेश्चन और इसमें दे रखा है, इससे पहले का शायद उस क्वेश्चन में रेशियो में दे रखा है कि दो कॉनिकल हैं उनका जो रेशियो है 5:4 है और एक का जो शायद मेरे हिसाब से एरिया है या वॉल्यूम दे रखा है और सेकेंड का पूछ लिया है, तो बिल्कुल इजी है। आप उसको अगर करना चाहेंगे तो रेशियो को दे रखा है तो 5/4 × 400 करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो आपको उसका बिल्कुल आंसर मिलेगा। इजी है बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें किसी में ये दे रखा है कि सर्कमफ्रेंस दे रखा है उसके वन एंड का, तो कॉनिकल का जो वन एंड का सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला 2πr होता है। हम सर्कमफ्रेंस से पहले आर निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, उसके बाद में हम उसका वॉल्यूम लेंथ हाइट या सी एस ए या डी एस ए निकालते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ फाइंड करनी है पहले उसके लिए आर एस या एल जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है पहले हम उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। उसके फाइंड आउट करने के बाद में जो हमें पूछा गया है उसका फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 16.3 का एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक मैं आपसे ये योग करता मानता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट है और कि आप 16.3 है वो कंप्लीट कीजिए अपनी कॉपियों में और इसको करने के बाद इसका जो आंसर शीट है वो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे बिल्कुल भेजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू, वेलकम, जय हिंद।